बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के लिए पिछला साल बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा रहा। सुकेश चंद्रशेखर केस के नाम आने के बाद जैकलिन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में सुकेश के साथ एक्ट्रेस की कुछ पर्सनल फोटो सामने आई हैं। जैकलिन ने इस पर रिएक्ट किया है और इस बात पर वो काफी दुखी नजर आई। जैकलिन फर्नांडिस ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, इस देश ने और इस देश के लोगों ने मुझे हमेशा ढेर सारा प्यार किया। इसमें मेरे मीडिया से फ्रेंड शामिल हैं, जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। मैं मौजूदा समय में एक बुरे वक्त से गुजर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इससे बाहर निकलते हुए देखेंगे। मेरी अपने मीडिया फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट है कि वो मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखें और मेरी पर्सनल फोटोज ऐसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट ना करें। आप ऐसा अपने करीबी और अजीज लोगों के साथ नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा मेरे साथ भी नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि न्याय की जीत होगी। शुक्रिया। जैकलिन के लिए साल 2021 काफी बुरा रहा। एक्ट्रेस का नाम ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ जुड़ा। इसके बाद ही उन्हें ईडी ने इस मामले में कई बार बुलाया है पूछताछ के लिए। लेकिन जैकलिन की मुश्किलें तब बढ़ी जब सुकेश के साथ उनका रिश्ते से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई। ईडी से पूछताछ के दौरान जैकलिन ने कई सारी बातों का खुलासा भी किया। इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।